दो, जरा। आ रही दीदी। देखो इसमें लिखा है सागर मेडिकल कॉलेज टीम ने ब्लैक फंगस पे बहुत अच्छा काम किया है। अरे वाह। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की छोटी व कम अनुभवी टीम का अच्छा काम किसी मिरेकल से कम नहीं है। आइए इस टीम से मिलकर जानते हैं उनके अनुभव कैसे रहे। तो सर क्या क्या चैलेंजेस थे आप लोगों के सामने? ऑर्बिटल म्यूकोमाइकोसिस एक बहुत ही रेयर डिजीज है और जब हम इसको पढ़ते थे तो लगता नहीं था कि कभी कोई पेशेंट ट्रीट करेंगे, पर जब पोस्ट कोविड एरा में इस तरह के पेशेंट्स आने शुरू हुए तो समझ ही नहीं आया कि हम इनको जेन्युइनली कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हमने बुक्स खोली, वेबिनार्स अटेंड किए और एक ट्रीटमेंट प्लान का आइडिया लिया। जब हमें पता चला कि मॉर्टिलिटी मोर देन 50% है तो फिर हमें बहुत घबराहट हुई कि हम अपने वार्ड में 50% से ज़्यादा पेशेंट्स को मरते हुए कैसे देख सकते हैं। हम लोग वाकई टेंशन में थे। म्यूकोरमाइकोसिस का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन काफ़ी वेरिएशंस के साथ मिला हमें। जहाँ कुछ पेशेंट्स में सिर्फ आईलिड इन्वॉल्वमेंट फुलनेस जैसा था, वहीं कुछ और दूसरे पेशेंट्स में प्रोक्टोसिस या टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन मिला। ऐसे वेरिड प्रेजेंटेशंस के लिए हमें कोई सिस्टमेटिक अप्रोच समझ नहीं आ रही थी। तब हमने अपने लेवल पर एक 5 कैटेगरी वाला क्लासिफिकेशन डेवलप किया, जो थी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट और वाइटल इन्वॉल्वमेंट, इन्फेक्शंस, फंडस या रेटिनल फाइंडिंग्स एंड CNS या ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। ये हम पूरी तरीके से हमारा बनाया हुआ क्लासिफिकेशन था। एडमिटेड पेशेंट्स का फॉलोअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमें ऑर्बिट के साथ साथ साइनस इन्वॉल्वमेंट भी देखना था और जो ड्रग्स थे उनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स को भी देखना था, एवं साथ में पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी नज़र रखनी थी। उसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया था और रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस का एक सिस्टम बनाया था ताकि डिसीज के साथ साथ हम डायबिटीज, इलेक्ट्रोलाइट, बाकी सब पर भी नज़र रख सकें और समय रहते हुए उसको इंटरवीन कर सकें। इसके लिए हम फिजिशियन के भी रेगुलर टच में थे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत नहीं थे, मेनली तो सिस्टमिक एम्फोटेरिसिन भी रिक्वायर्ड था जो मिल नहीं रहा था, और मिल भी रहा था तो बहुत कम डोज मिल रहा था। फिर हमारे पास ऑर्बिटल एपिक्स इन्वॉल्वमेंट के लिए रेट्रोबल्बर इंजेक्शन थे, लोकल एब्राइडमेंट का ऑप्शन था, या फिर फाइनली पेशेंट के साइन और सिम्टम्स साइन हॉस्पिटल स्कोरिंग सिस्टम में फिट हो तो एक्सेंट्रेशन ही एक ऑप्शन था। आई इन्वॉल्वमेंट में ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन को बहुत अर्ली स्टेज में सजेस्ट किया गया है क्योंकि ये लाइफ सेविंग हो सकता है, पर हम लोग बहुत कन्विंस नहीं थे इसलिए हमने लोकल डिब्राइडमेंट को ज़्यादा अहमियत दी, चाहे वो ऑर्बिटल अप्रोच के थ्रू हो या फिर ENT सर्जन के साथ मिलकर फेस के थ्रू हो या फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ मिलकर मैक्सिलरी सर्जरीज के साथ हो। और साथ में हमने रेट्रोबल्बर इंजेक्शन के साथ साथ पेरिबल्बर इंजेक्शंस को भी इम्प्लीमेंट किया उन केसेस में जहाँ लोकल डिब्राइडमेंट किया गया है और हमारे पास एक्स्ट्रा कोनल मास है जो कि एंटीरियर साइड से अप्रोचेबल था और हमें काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी कि कैसे पेशेंट को समझाया जाएगा, कैसे हम लोग सोच सकते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में, या एक्चुअल में कोई ऑप्शन मिस तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें सरप्राइज मिला कि पेशेंट हमसे कहीं ज़्यादा कन्विंस था, शायद न्यूज़पेपर्स ने इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया था कि हमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फाइनली पेशेंट सिर्फ जीना चाहते थे और जिनमें कोई और लोकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं था उसने एक्सेंट्रेशन किया। तो ओवरऑल म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में हमने पाया कि प्रीवियसली नोटेड म्यूकोरमाइकोसिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस, बिकॉज इन कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस देयर वाज टेम्परेरी इम्यूनो सप्रेशन। तो वंस द बॉडी रिकवर्ड अलॉन्ग विद आवर लिमिटेड सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एंड एक्सटेंसिव लोकल डिब्राइडमेंट वी कुड सेव द पेशेंट। तो बेसिकली हमें समय चाहिए था कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, वो रिकवर करे। हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये, बिकॉज वी फॉर्मुलेटेड आवर ओन ट्रीटमेंट प्लान एंड वी गेव आवर बेस्ट और मिराकल्स तो हुए। जब मुझे पता लगा कि मैंने ब्लैक फंगस हुआ है और ब्लैक फंगस के कारण मेरी आँख बंद हो गई है और उसने घूमना भी बंद कर दिया है, डॉक्टर साहब ने बोला कि इंजेक्शन सही करेंगे ठीक है तो ठीक है वरना आँख निकालनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाए, फिर धीरे 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 आँख ठीक होने लगी और डॉक्टर साहब यानी भगवान की मेहनत लगना ही बन गई ठीक हो गई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे साथ ब्लैक कर लग गया।